विधायक हूँ, मंत्री हूँ, तो मैं ही चुनाव लड़ूंगी। ऊपर से आदेश होंगे तो बिल्कुल मैं लड़ूंगी। मैं किसी के बारे में आज तक मैंने कभी कोई गलत शब्द नहीं बोलता, ना मैं बोलती। सबका अधिकार है, मैं तो कहूँ लड़ो, आजाद लड़ो, पता चल जाएगा लड़ने वाले ने, आप सब ने भी पता चल जाएगा भी कौन कितने पानी में लड़ना। मैं तो कहूँ 19 में भी लड़ना चाहिए था, 19 में भी लड़ना चाहिए था, 19 में कांग्रेस के साथ मिलकर, और बोलने से पहले अपने गृहवान में झांकना चाहिए भी तू क्या था, आज क्या है, और हर एक व्यक्ति ने पता है, और आज पता लगा लेना पैसा किसने किया। मैंने 4.25 साल बने हो गए, आज भी मेरे पास 3 किले, और जब मैं 2024 में आऊँगी उस टाइम भी आप देख लेना। ऐसे लोगों को क्या पता महिला की क्या इज्जत होती है, जिसने अपनी घराड़ी की इज्जत नहीं करी कभी। ये भी बात सामने आई है कि आप चुनाव लड़ेंगे, आपके जो पुत्र हैं कुछ आ जाएंगे। नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगी, और भारतीय जनता पार्टी हमारा संगठन एक राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी मजबूत बड़ी सूझबूझ की पार्टी है, और उसमें जो आदेश करेंगे, मैं आज इसमें विधायक हूँ, मंत्री हूँ, तो मैं ही चुनाव लड़ूंगी। ऊपर से आदेश होंगे तो बिल्कुल मैं लड़ूंगी। मंदिर मैदान में देखिए, सबका अधिकार है, मैं ये नहीं कहती, मैं किसी के बारे में आज तक मैंने कभी कोई गलत शब्द नहीं बोलता, ना मैं बोलती, ना मेरी इसमें खून में है। मेरे से पहले मेरे पति चौधरी नरसिंह ढांडा जी 2 बार विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, कभी उनने भी किसी के बारे में गलत शब्द नहीं बोले, ना किसी पे कटाक्ष किया, ना मेरी आदत है। सबका अधिकार है, मैं तो कहूँ लड़ो, आजाद लड़ो, पता चल जाएगा लड़ने वाले ने भी क्या नतीजा रहेगा, और आप सब ने भी पता चल जाएगा भी कौन कितने पानी में लड़ना चाहिए। अच्छी बात है, मैं तो कहूँ 19 में भी लड़ना चाहिए था, 19 में भी लड़ना चाहिए था, 19 में कांग्रेस के साथ मिलकर, और एक मैं कहूँगी उनका बूथ एजेंट बनकर, उन लोगों ने दो बड़े उन लीडरों ने जो नेता थे उन्होंने चुनाव लड़ा, और एक मैं एक भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य सी कार्यकर्ता एक तरफ थी, तो आप सबके सहयोग ने, 36 बिरादरी ने, मेरी विधानसभा के 66 के 66 गांव ने मेरे को सहयोग दिया, समर्थन दिया, मेरे को मजबूत किया, मैं इनका बार बार धन्यवाद करती हूँ। रामपाल माजरा सीधा आप पे आरोप लगाते हैं, आपने सुना भी था वो गाना गाया था रामपाल माजरा ने, प्रेस वार्ता की गई थी वहाँ पर, उनका जवाब मैडम कुछ देखिए, जो लोगों ने यूँ नहीं पता भी क्या शब्द बोलना है, अपनी गरिमा में रह कही कोई भी व्यक्ति है, मैं किसी का नाम नहीं लेती, कोई भी है, गरिमा में रह के बात करनी चाहिए, और बोलने से पहले अपने गृहवान में झांकना चाहिए, देखना चाहिए भी तू क्या था, आज क्या है। जब वो राजनीति में आए उस टाइम आप पता लगा लेना, और हर एक व्यक्ति ने पता है, और आज पता लगा लेना पैसा किसने किया, ये मेरे खून में नहीं है। उनसे पहले मेरे पति कैबिनेट के मंत्री रह चुके हैं, सिर्फ 5 भी 3 किले, और मैंने 4.25 साल बड़े हो गए, आज भी मेरे पास 3 किले, और जब मैं 2024 में आऊँगी उस टाइम भी आप देख लेना, पता कर लेना, या उस टाइम भी मेरे पास 3 किले ही मिलेंगे। और ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनका आप हिसाब लेना, मैंने कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हो, मेरे से ज़्यादा जानते हो, और आप तो हमारे पत्रकार साथी हैं सारे, मैं तो ज़्यादा क्या कहूँगी, आप मेरे से ज़्यादा आप सब ने पता है। देखिए, राजनीति में सब अपने अलग अलग पार्टियों में काम कर रहे हैं, तो मैं फिर भी यही कहूँगी भी सब तरीके से करो, कटाक्ष करो, मैं नहीं कहती नहीं करो, तो थोड़ा सा गरिमा रखनी चाहिए शब्दों की, और उन लोगों ने महिला का भी ख्याल रखना चाहिए। और मैं कहूँगी ऐसे लोगों को क्या पता महिला की क्या इज्जत होती है, जिसने अपनी घराड़ी की इज्जत नहीं करी कभी। ठीक है।